जयपुर में बारिश का कहर, स्कूलों में करनी पड़ी छुट्टी, कानोता बांध में 5 युवक डूबे, करौली में 14 इंच बारिश, भरतपुर की बाणगंगा नदी में 7 युवक डूबे। जयपुर, करौली, दौसा, भरतपुर में भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर में बारिश ने कहर ढा दिया है। लगातार बारिश ने शहर के बिगड़े हालातों ने सिटी से लेकर राज्य सरकार तक के इंतजामों की पोल खोल दी है। जयपुर शहर के कई हिस्सों में सीवरेज का पानी घरों और अस्पतालों में घुस गया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और कई जगह सड़कें धंस गई, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। कानोता बांध में 5 युवक डूब गए। यही नहीं, भरतपुर की बाणगंगा नदी में बहने से 7 युवकों की मौत हो गई। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर जयपुर, दौसा में स्कूलों में सोमवार की छुट्टी कर दी गई। मुख्यमंत्री भजन लाल ने आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक ली। घरों अस्पतालों में घुसा सीवरेज का पानी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। जयपुर में लोगों ने की बारिश से तौबा, झरनों के पास भीड़, रील बनाने में कर रहे लापरवाही। परकोटा क्षेत्र में सीवरेज का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कुछ लोगों को अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के घरों में शरण लेनी पड़ी। सुभाष चौक इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि वह नदी जैसा बहने लगा। यहाँ के घरों में भी 1 से 2 फीट पानी घुस गया, जिससे घरेलू सामान खराब हो गया। JLN मार्ग पर स्थित जेकेलॉन अस्पताल में भी स्थिति गंभीर हो गई, जहां सीवरेज का पानी अस्पताल के परिसर में घुस गया। इमरजेंसी वार्ड, ICU और ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हुई। सुरक्षा के लिहाज से मिट्टी के कट्टे रखवाए गए। जलमहल का पानी पाल को पार कर सड़क तक आ गया है, जिससे सड़क पर लगभग 2 फीट पानी भर गया है। सवाई माधोपुर के हिंदुपुरा में बांध की पाल टूटी। सवाई माधोपुर के बौली उपखंड में हिंदुपुरा गांव में सोमवार सुबह बांध की मिट्टी की पाल तेज बहाव के कारण टूट गई। डैम की पाल करीब 3-4 फीट टूटने से पानी तेज बहाव के साथ बहा, कई इलाकों में पानी पानी हो गया। जयपुर के साथ करौली, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर के स्कूलों में सोमवार को छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 20 लोगों की मौत हुई है। इसमें 18 लोगों की डूबने से जान गई है, जबकि मकान गिरने से पिता पुत्र की मौत हुई है। इनमें भरतपुर में 7, जयपुर में 5, झुंझुनू में 3, करौली में 3, जोधपुर में 1 और बांसवाड़ा में 1 मौत हुई है। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। नदी, नालों, झरनों के आसपास पानी में नहीं उतरे। अब भी जयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है। वहीं मेवाड़ अंचल में ज्यादातर बांध, झीलें सूखी है और लोग बारिश की दुआएं मांग रहे हैं। खासखबर.com के लिए रज्वल गुप्ता की रिपोर्ट।